ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, अभी 2000 रुपए के नोट को लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर वित्त मंत्रालय की तरफ से एक नहीं बल्कि दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही जो कि नोटों को लेकर है। तो आपको उन दोनों ही बड़ी खबर और अपडेट को जरूर जान लेना चाहिए। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली मीडिया में कई सारी ऐसी खबरें आई थी, यहाँ पर आप गूगल के अंदर भी देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक क्या बंद करने वाला है 2000 रुपए का नोट। फर्स्ट पोस्ट ने खबर लगाई थी 24 दिसंबर 2017 को, आज तक इन टुडे वाले ने खबर लगाई थी कि 1 जनवरी से बंद हो जाएगा 2000 रुपए का नोट। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या कुछ इसकी सच्चाई थी। वहीं नव भारत टाइम्स वाले ने खबर लगाई थी 23 जुलाई 2017 को कि अब छोटे नोटों पर जोर, क्या बंद होगा 2000 रुपए का नोट। और उसमें बताया गया था दोस्तों कि आरबीआई अब मार्केट में छोटे नोटों की सप्लाई बढ़ाएगा। मार्केट में अब 50 रुपए 100 रुपए और 500 रुपए के नोटों की सप्लाई बढ़ेगी। अगस्त अंत तक 200 रुपए के नोट भी मार्केट में आ सकते हैं। और बैंकिंग सूत्रों का कहना है कि छोटे नोटों की संख्या बढ़ाने का मतलब था 2000 रुपए के नोट को बाहर का रास्ता दिखाने की शुरुआत हो सकती है। लेकिन ये सभी दोस्तों मीडिया खबरों के मुताबिक थी, ऐसी कोई 100% ऑथेंटिक न्यूज ना ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की तरफ से आई थी और ना ही पीएम मोदी गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आई थी। लेकिन अभी अभी 2000 रुपए के नोट को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आया है जो आप सभी को जरूर जान लेना चाहिए। तो मैं आपको फटाफट से दोनों ही अपडेट और खबरों के बारे में बता देता हूँ जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोटों के ऊपर निकल कर आ रही है। लेकिन दोस्तों वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर आप डीएलएस न्यूज पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आपके वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन फटाफट से उस पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर लेना। पास में मिलेगा एक छोटा सा नन्हा सा घंटी का आइकन, उसे जरूर दबा देना ताकि हर एक काम की खबर से आप हमेशा अपडेट रह पाएंगे। और हाँ दोस्तों, आप जीत सकते हैं डीएलएस न्यूज की तरफ से कमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। आपको लिखना है सवाल का जवाब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि 15 अगस्त के अलावा ऐसी कौन सी तारीख है जिस पर समस्त भारत में हिंदुस्तान में तिरंगा झंडा लहराया जाता है। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख पाएंगे और रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट टूल्स गैजेट वगैरह कुछ भी अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट जो कि डाक के द्वारा आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त 2018 आने वाली और हमारे सभी भारतीय मिलकर के हम भारत की आजादी का जश्न मनाएंगे, तिरंगा झंडा लहराएंगे। ऐसे में अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो आजादी के इस दिवस के आने के शुभ अवसर मौके पर इस वीडियो को नीचे लाइक कर दीजिए और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करें 2000 रुपए के नोट को लेकर क्या कुछ वित्त मंत्रालय की तरफ से अपडेट निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले खबर की बात करें दोस्तों तो ये livehindustan.com की तरफ से लगाई गई है 9 अगस्त 2018 की अपडेट। आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई प्रावधान नहीं था, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसके आधार पर बैंक 2000 और 200 रुपए के गंदे पुराने फटे नोट बदल सके। नोट बदलने का कानून आरबीआई एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत आता है और इसमें नोटबंदी के पहले जैसे ही कटे फटे नोट गंदे बदलने की इजाजत थी। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ये पॉइंट के अंदर लिखा हुआ दोस्तों कि विच नोट सेल बी एक्सेप्टेड, ऐसे में द ब्रांचेज सेल एक्सेप्ट नोट इन डिनोमिनेशन ऑफ RS 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 रुपए के जो गंदे पुराने नोट है उनको बदलने का रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इनके 2009 के एक्ट के तहत था और अभी भी है वो तो। लेकिन नोटबंदी के बाद पीएम मोदी गवर्नमेंट के अंदर ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया था जिसमें 2000 और 200 रुपए के गंदे पुराने नोटों को बदला सके। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भेज दिया है। ऐसे में जल्दी नए नियम जारी कर दिए जाएंगे और आम जनता को काफी राहत मिलेगी और स्पेशली उन गरीबों को जिनके पास 2000 रुपए के एक दो नोट और वो भी गंदे गले फटे हो जाए तो उनको काफी दिक्कत आती है, तो उनके लिए सरकार का ये बहुत ही अच्छा और बड़ा कदम है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपका भी दिल बहुत अच्छा है और आप भी चाहते हैं कि गरीबों का हमेशा भला हो, ऊपर वाला रखवाला इनकी दुआओं को स्वीकार करे, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी खबर यही दोस्तों 200 रुपए के नए नोटों के ऊपर भी लागू होगा यही वाला नियम। तो ऐसे में उम्मीद है ये लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस अपडेट आपको मिल गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चंस का जवाब देते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।